हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हमने मॉर्निंग व्यू देखेंगे अपने टेरेस गार्डन की। इस समय गर्मियों की धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। आज मार्च का लास्ट दिन है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफ्रीकन हिबिस्कस की। उसमें भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। धूप ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी फेडेड हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सकले प्लांट्स हैं, उसके भी फ्लावर कितने अच्छे आ रहे हैं। और ये जैसे इसके साइज़ बड़े होते हैं तो उनको बड़े गमले में लगाना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट्स के अंदर पत्तियां तो नाम मात्र हैं लेकिन फ्लावर ही फ्लावर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। येलो कनेर के जो प्लांट्स हैं उसमें भी फ्लावर दिख रहे हैं, आप भर भर के आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देख सकते हैं। ये हिबिस्कस की एक जो नई वैरायटी है जो मिर्ची की तरह दिखती है, आप देख सकते हैं रेड रेड मिर्ची की तरह, तो इसकी भी अच्छी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं। एक जोरा के जो प्लांट्स है उसमें भी आप विंटर में तो फ्लावरिंग हो ही रहा था लेकिन देख सकते हैं समर में कितने सारे बंच ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं, तो सभी में अब फ्लावरिंग होने वाली है, फ्लावरिंग हो भी रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे सकलेन जो प्लांट्स है इसके अंदर से फ्लावरिंग जो है स्टार की तरह वो हो रहा है, अभी भी लास्ट लास्ट चल रहा है। हमारा जो मेरी गोल्ड है समर के में जो फ्लावरिंग हो रहा है, जो उसके बीजों से जो नए पौधे आए हैं तो उसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। कनेर की एक दूसरी वैरायटी है जिसकी उसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितने भर भर के फ्लावरिंग आ रहे हैं, इसके काफ़ी बंचेस ऑफ फ्लावर्स हो रहे हैं। ये हमारा जो पिंक कलर का है इस शेड में काफ़ी फ्लावरिंग आ रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लावर भर भर के आ रहे हैं। एक हमारा प्लांट्स है जिसे मुझे नाम तो नहीं पता हुआ है लेकिन ये धान की तरह इसके फसल होते हैं और इसमें येलो येलो फ्लावर्स होते हैं, आप देख सकते हैं कितने फ्लावर प्यारे दिख रहे हैं। इस समय सबसे अधिक जिसमें फ्लावर होती है वो सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं, तो सदाबहार के फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे, बहुत सारे सदाबहार के जो फ्लावर्स हैं उसकी कलियाँ आ रही हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ती और ईजीली ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कोलियस के जो प्लांट्स हैं उसमें भी देखिए अच्छे उसके पत्तियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बस इनको हमको धूप से बचाना रहता है क्योंकि धूप में इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं। कलेक्शन में है, हमारे कलेक्शन में वाइट कलर के जो गेंदे हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। इस समय अपराजिता जो बेल है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है और ये शुभ पौधा होता है, इसकी बेल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं। ये हमारा इंग्लिश गुलाब है, इसके फ्लावर 15 दिन से भी अधिक रहते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग हो रही है। इसको समय समय पे कटिंग करना पड़ता है जिससे इसके नए ब्रांचेज आते हैं, तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये हमारे वाइट कलर के फ्लावर्स है, इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, ये अलग ही इसके शेप में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है लेकिन ये धूप से जल्दी फेडेड हो जाते हैं और गिर जाते हैं, इंग्लिश की तरह उतना चल नहीं पाते हैं। बाकी हमारी हिबिस्कस की जो वैरायटी है उसमें कई वैरायटी हैं और अभी ये खिली नहीं है पूरी तरीके से क्योंकि अभी सुबह की मॉर्निंग का है, तो इसमें काफ़ी अच्छे समय में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं बंचेस और फ्लावरिंग हो रही है। तो आशा है आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।